Hi guys, good morning. I hope all are you doing absolutely fine. Welcome to my channel. मैं अभी फिलहाल हूँ चार मीनार के यहाँ पे. हैदराबाद में चार मीनार है, वहाँ पे आया हूँ. This is the चार मीनार. Incredible India's best spot actually. आज है sixth of January 2021. Isn't it beautiful? बहुत cloudy है, थोड़ा बहुत धूप आ गया है अभी finally. और मैं यहाँ पे थर्ड टाइम आया था. मेरा एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, वहाँ पे मैंने बाइक लगाया था और ये रेड मतलब अच्छा खासा लाइट में था. मैं रात के टाइम पे आया था वो टाइम पे, और अभी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है. बहुत रिनोवेट किया है ये पूरा एक्चुअली. मैं लास्ट टाइम आया था, ये थोड़ा बहुत रिनोवेशन अभी भी चालू है और बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है अभी. काफ़ी सारे वो स्ट्रक्चर्स जो है वो टूटे थे, थोड़ा बहुत मरम्मत करनी थी, वो मरम्मत हो गई है और ये साल के आखिर तक तो डेफिनेटली हो जाएगा सब कुछ. मैं दो साल पहले आया था 2017 में इनफैक्ट. और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. एंड यहाँ पे अभी बाइक्स अलाउड नहीं कर रहे, बट मैं लकी था वो टाइम पे बाइक लेकर आया था अंदर और लाइट के साथ मैंने मेरे बाइक का फ़ोटो निकाला था. अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके राउंड मार के आते हैं एंड बाद में डायरेक्ट जाते हैं निमरा कैफ़े. तो यहाँ पे स्कैन तेरे इसमें नहीं आ रहा क्या? मैं ट्राई करूँ क्या? ट्राई मार एक बार उधर गूगल पे. सो बेसिकली आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी है और यहाँ पे और ऊपर नहीं जा सकते. यही है क्या बोलते हैं? क्या क्वालिटी है? दिखने में ऐसा है, टेस्ट कर ले. गरम गरम है. क्या बात कर रहा है? यम ना. अमेजिंग. इतना फ्रेश मैंने कुकी कभी नहीं खाया था भाई पहले. वो हर टाइम ठंडा हुआ पैकिंग किया हुआ खाया था, बट दिस इज फ्रेश मेड, एकदम नया नया ताज़ा ताज़ा एकदम कुकी लिया हम लोग ने. बहुत यमी है. अभी हम लोग का चाय आ रहा है, चाय के लिए वेट कर रहे भाई दबे. सो बेसिकली हमारा चार मीनार देख के हो गया. यहाँ पे टेबल पे ऑर्डर दे सकते हैं. यहाँ पे निमरा कैफे में आए हम लोग अभी. एंड जो स्टाफ है यहाँ पे जो वर्किंग करते हैं बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही स्वीट बात करते हैं, एकदम अच्छे से बात करते हैं वो लोग और दिल खुश हो जाता है. लाइक और कुछ कुछ चीज़ लेने को मन करता है. तो बेसिकली हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी चाय का और आगे भी कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे. निमरा कैफ़े इज़ मस्ट. चार मीनार के यहाँ पे बहुत ही फेमस है, काफ़ी पुराना कैफ़े एंड बेकरी है ये. तो चलो गाइस, ये करने के बाद हम लोग निकलेंगे चाउमाला पैलेस. अगर ओपन है तो चाउमाला पैलेस करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे गोलकुंडा फोर्ट. ये डुबो के खाओ क्या? यम है, सीरियसली बहुत क्लास है. 5.5 आउट ऑफ 5, सॉरी, मस्त है, अमेजिंग है.
दिस नान गटाई विद दिस ईरानी चाय इज अमेजिंग. ये नहीं ट्राई किया तो आपने कुछ नहीं ट्राई किया. मेरा गांव है बिदर. अच्छा. मैं 1993 से काम कर रहा हूँ. ओके. चाय भी अच्छा रहेगा, बिस्किट भी अच्छा रहेगा. यहाँ हर कोई आएंगे तो चांद मीनार पे निमरा कैफे एंड बेकरी बोल लेते, पूछ लेते आएंगे लोग, चाय वगैरह पियेंगे, मशहूर रहेगा हर आइटम. खाने पीने में अच्छा है. वैसे ये कितना पुराना कैफे? ये 25 साल हो गया साहब. 25 साल पुराना. अच्छा. हम भी 25 साल पुराने नौकर हैं. अच्छा, क्या बात है. आप पहले से इधर ही काम पे? पहले से इधर ही कर रहे, दूसरी तरफ की भी कर रहे. अच्छा. अभी इधर भी कर रहे. बढ़िया बढ़िया. इनका एक ही आउटलेट है ना ये? ये हमारा फर्स्ट ब्रांच निमरा है. हाँ. दूसरा ब्रांच नामपली पे है. अच्छा. अभी वो बंद है, अभी खुलेगा. और तीसरा ब्रांच और एक बन रहा है. अच्छा. हाँ, अभी टाइम लगेगा उसको. बाकी कोविड में कैसा रहा? हाँ साहब, कोविड में सब बंद था. हाँ, बंद था साहब. हमारा होटल चालू था, मास्क वगैरह लगा के हर चीज पे इस्तेमाल करते गए. अच्छा चला साहब. चलो अच्छा है. ऑल द बेस्ट. आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. अच्छे रहे. हमारा देखिए व्हाट दे कैन राइट अबाउट द स्क्रीन. ओके ओके. कैसे लोग आते हैं? अच्छा. पूरे फॉरनर्स होते हैं तो यहाँ पे पूरा फीडबैक वगैरह देते हैं. यहाँ पे फोटोज स्टिक करते हैं जैसे कि इन्होंने किया है. और हमारा भी फीडबैक हम लोग देंगे. हम लोग आए डेफिनेटली. मैं अभी फिलहाल निमरा कैफे के ओनर के साथ है. हमारे पास ओनर सन. ओके. आपके पिताजी वालिद का ये नाम? सुल्तान. सुल्तान. तो सुल्तान सुल्तान भाई साहब ने ये ओपन किया था 1993 में. अच्छा. अच्छा. मैं रणदीप बिरा से मिला, रॉकी मार्ट से मिला, ट्रेवल जेम्स मिला, डेविड बीन से मिला, कृपाल सर से मिला, ऐसे कई ब्लॉगर्स हैं जो हमारे पास आते हैं डॉक्यूमेंट्री. हमने बहुत सारे जगह पे देखा आपका ये ईरानी केफ नहीं है, एक केफ इन बेकरी. ईरानी केफ तो बिल्कुल आपको समोसा चाय बराबर 105 टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा बेकरी. अच्छा. एक लोकल आनियन से चला रहे हैं, हम उसको ब्रांड बना सकते हैं. हमारा कस्टमर 60% लोकल का. करेक्ट. उनके अफोर्डेबल वाली प्रोडक्ट का जिसमें हमारा ज़्यादा मूवमेंट रहता है. और चाय तो ईरानी है. अच्छा. ईरानी चाय है क्या? राइट. प्रोसेस ऑफ मेकिंग बनाने का जो तरीका होता है उसका इसी को ईरानी से लिया. नहीं, आपका जो ये भी था ना, ये जो ओट्स वाला कुकी नान कटाई खाया, ईरानी चाय पिया. और अभी हम लोग घर लेकर जाने के लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेंगे. डेफिनेटली का जो स्पाइसेस वगैरह रहता है ना, तो आप ये स्पाइसेस यहीं पे बनाते हो? हाँ. तो ये टी का जो स्पाइसेस है आप यहीं पे बनाते हो? आसाम से आता है ब्लैक पाउडर. स्पाइसेस नहीं होता उसका, ब्लैक टी पाउडर होता है. आसाम से इम्पोर्ट करते हैं. बनाने का तरीका अलग होता है. बनाने का वे ऑफ थिंकिंग ईरानियन टाइप का, जो ट्रेडिशनल है, जो निज़ाम टाइम पर लोग पारसी ईरानियन जो है आकर टाइम पे इस्टेब्लिश करे थे चाय बनाने का, जब से अभी तक वही चल रहा है ट्रेडिशनल ईरानियन टाइप चीज़ चाय. मैंने आपको कभी टेस्ट आपको देखा था वो बेकरी का, वो पूरा बिल्कुल. अब ऐसा है मॉर्निंग टाइम पे 10:30 के टाइम आना, तो मैं लाइव आपको बेकिंग और मेकिंग दोनों बता सकता हूँ. अच्छा अच्छा. मॉर्निंग टाइम पे तो वो टाइम पे आपको एक मूवी बन सकती है. बराबर. राइट. ओके. ठीक है. निमरा मेरे फादर ने स्टार्ट किया. अच्छा. मेरे फादर ने 1990 को, जब मेरे फादर की जर्नी स्टार्ट हुई ये फील्ड से 1967 में. ओके. लोकल सेक्शन एरिया में अभी दो होटल हैं हमारे. अच्छा. जो उस पर डैडी ने ओपन किया और मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट था मेरे फादर को. अच्छा. उसके बाद भी मेरे कजिन से, जो मेरे से बड़े हैं. ओके. जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे डैडी के बाद वो लोग टेकर कर रहे थे. आज उनके साथ मैं भी हूँ. ओके. मैं यहाँ के यहाँ पर 12 to 14 ईयर्स हुआ. अच्छा. अगर जहाँ हम लोग खड़े हैं चार मीनार के बिल्कुल अपोजिट में, बहुत ही बढ़िया. बहुत लकी है जो हमको एक स्पेस मिली यहाँ पर, जहाँ से एक पॉपुलैरिटी मिली और डेवलपमेंट मिला. हम इसको ब्रांड अंदाज में लाएंगे इंशाल्लाह. टाइम होगा वो भी आएगा. मेरे ख्याल से ये आइकॉनिक रहेगा तो ही बहुत बढ़िया रहेगा. ऐसे हम लोग देखिए, हम लोग मुंबई से आए, एक वीडियो देखा हम लोग ने और हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि चार मीनार जाएंगे. मैं यहाँ पे दो बार आ चुका हूँ सर जी. मैं एक बार सिर्फ बिरयानी खाने के लिए मुंबई से एक बार बाइक पे आया और वापस दूसरे दिन मुंबई चला गया सिर्फ बिरयानी खा के. बट तभी मैं यहाँ पे रात के टाइम पे चार मीनार देखा था. लाइट वगैरह थी बहुत बढ़िया, खूबसूरत दिखता है तभी, बहुत अच्छा दिखता है, बढ़िया दिखता है. बट तभी इनकी जानकारी आपकी नहीं थी. हाँ. तो आपकी ये निमरा कैफे की जानकारी नहीं थी. मैं सब ऐसे दिखता था बट आज मैंने देखा निमरा कैफे. आज मैं ढूंढ ही रहा था लेकिन निमरा कैफे ट्राई करना ही है. अच्छा. तो आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग टेस्ट है. और ये मैंने ओट्स वाला कभी भी फ्रेश खाया नहीं है. मतलब जो एकदम, जो बोलते हैं ना कि एकदम ताज़ा कुक किया फ्रेश गर्मा गर्म, वो मैंने फर्स्ट टाइम आज ट्राई किया. बाकी सब जगह पे पैकेज रहता है मटेरियल, आपके यहाँ पे फ्रेश मिला, बहुत बढ़िया लगा, सुकून लगा. एक चाय पीएंगे अभी, एक डिफरेंट चाय पीएंगे. अच्छा. ओके. अभी आप जो पीजेंगे वो छोड़ दीजिए. तो हमारे असलम साहब अभी हमें एक स्पेशल चाय दिला रहे, तो देखते हैं वो स्पेशल चाय ट्राई करते हैं कैसे है. हमने ईरानी चाय तो ट्राई कर लिया और थोड़ा बहुत सामान भी घर पर लेकर जाने वाले हैं यहाँ से. बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है. सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग गाइज, चाय 5 out of 5 मैंने दिया तो डेफिनेटली इट इज़ लाइक
बहुत अच्छा है, आइकॉनिक है यहाँ पे प्लेस, और इनको इतना नज़दीक मिला वो बहुत बड़ी बात है. लाइक इनक्रेडिबल इंडिया का मॉन्यूमेंट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट के यहाँ पे बिजनेस करना इज नॉट एन ईजी थिंग. यहाँ पे जब से आपका ये शॉप ओपन हुआ है तब से रिनोवेशन कुछ किया नहीं है ना आपको? फर्नीचर बदलते हैं, हाँ हाँ, मार्बल पीओपी वगैरह वो जैसे वैसे. अभी फॉर एग्जांपल मैं आपका किसी बिजनेस के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हम लोग पैराडाइज बिरयानी के लिए फिदा है, मैं इनको पैराडाइज बिरयानी का खिला है. अच्छा शादाब, हाँ शादाब, मैं शादाब बोल रहा था एक्चुअली, कैफे बाहर भी नहीं शादाब का, कैफे बाहर से पहले शादाब, शादाब जाएंगे पैराडाइज से पहले भी शादाब. अच्छा शादाब हम जरूर शादाब बिरयानी ट्राई करेंगे आज दोपहर को. कैसे कैसे लोग आते हैं? डेफिनेटली यस यस, अनबिलीवेबल. लेकिन यहां पर यूएस एंबेसडर केनेडा जस्टर, अच्छा ऐसे कई ऐसे लोग इकोनॉमिक्स, और मैं कई लोगों को नाम मतलब याद नहीं, ऐसे कई फॉरेनर्स आते हैं जो हम इतने लकी हैं कि ऐसे कैसे लोग हमारे यहाँ पर. सीलिंग पे क्या मस्त है, पेंटिंग से हैपनिंग है, हैपनिंग क्या पेंटिंग है सीरियसली. विंडोज देखना, विंडोज पे भी क्या डिजाइन है, अभी तक वैसा ही है. लुक एट द आउटसाइड मैन.
जीप है, फर्स्ट जीप, सेकेंड आई गेस विलीज ही होगा या जीप होगा, विलीज है ना सेकेंड, विलीज क्योंकि विलीज का हाइट ज़्यादा रहता था, जीप ये छोटा वाला सही लग रहा है, पेट्रोल पेट्रोल करेक्ट बोले आप, विलीज भी पेट्रोल ही था ना, क्या ऑयल ऑयल लीक हो रहा है इसके नीचे से। तो बेसिकली हमारा चाऊमाला पैलेस घूम के हो गया है। चाऊमाला मतलब यहाँ पे चार मोहल्ले हैं अलग, पहले एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लाइन से चार मोहल्ले हैं, तो इसीलिए चाऊमाला पैलेस बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आओगे आप तो वेपन्स देखने मिलेगा आपको, एक बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम दिखने मिलेगा, क्रॉकरी सेट जो राजा महाराज यूज़ कर चुके वो आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे पीछे एकदम एंड में कार म्यूज़ियम है, गिने चुने एकदम विंटेज एंटिक कार्स है, अमेजिंग है, विलीज है, जीप है, रोल्स रॉयस है, बुइक है, वोल्सले है, बहुत ही अमेजिंग है। प्लीज़ आप जब भी यह विज़िट करते हो, तो अगर आप विज़िट नहीं भी करो तो भी व्लॉग एंजॉय कर ही रहे हो ऑब्वियसली। तो मैं अभी निकलता हूँ, हम लोग जाने वाले हैं अभी गोलकुंडा, यहाँ पे चौमाला पैलेस पे 2 घंटे गए हमारे, 2 घंटे, यस। चार मोहल्ले हैं और हर एक मोहल्ला के बीच में यहाँ पे ऐसे फाउंटेन है, ये जो है बीच में गार्डन टाइप है, अच्छा खासा नर्सरी किया हुआ है और नर्सरी अभी भी वेल मेंटेन्ड है, और मोहल्ला भी जो पैलेसेस है, चार पैलेसेस है, उसको भी अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है, गार्डन बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो मैडम गार्डनिंग कर रही है, तो यहाँ पे ऑलवेज मेंटेनेंस हमेशा रखते हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट पर हेड है 60 रुपीज़ पर हेड, तो यहाँ पे आइए तो प्लीज़ एंजॉय। और हम जा रहे हैं अभी गोलकुंडा केव ही आ रहा है मेरे दिमाग में, हम अभी जा रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट। चलो गाइज, सी यू एट गोलकुंडा। सो बेसिकली मुझे बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, देखो एक लेंस में मुझे एक शॉट मिला है, यहाँ पे कोई भी विजिटर्स नहीं है। चौमाला पैलेस इज माइन, आई एम फीलिंग लाइक दिस इज माय ओन प्रॉपर्टी। व्हाट अ फीलिंग, अमेजिंग। इट्स क्लाउडी, लिटिल बिट ड्रिजलिंग एंड दिस इज माय ओन प्रॉपर्टी, आई एम जस्ट वेटिंग।